पूरे देश में दीपावली की धूम है, मगर इस दिवाली पर उन कुम्हारों का क्या हल है जिनकी चाक कोरोना काल में पूरी तरह बंद पड़ गई थी। इसका पता लगाने के लिए एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी अपनी टीम के साथ बुलंदशहर में कुम्हारों की बस्ती में पहुंचे। टीम का यहां पहुंचने का मकसद कुम्हारों के हालात जानना था। इस पड़ताल में क्या सामने आया, आप भी देखिए। दिवाली आने से खुश हुए कुम्हारों के परिवार। कुम्हारों की चाक ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। चीनी सामान का हुआ बहिष्कार, तो कुम्हारों की बस्ती में लौट आई बहार। चलेंगे मिट्टी के दीपक तो खुद भी दिवाली मना सकेंगे कुम्हारों के परिवार। दिवाली का पावन पर्व आते ही मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने रफ्तार पकड़ ली है। इन दिनों बुलंदशहर में मिट्टी के दिए खूब बिक रहे हैं। ऐसे कुम्हारों के चेहरों से गायब हुई रौनक एक बार फिर वापस लौट आई है और उन्हें इस बार दीपावली पर बेहतर कारोबार की उम्मीद है। जहां बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की जमकर खरीदारी हो रही है, तो वहीं कुम्हारों की बस्ती में उनकी चाक पूरी तरह से दौड़ रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी कुम्हारों की बस्ती पहुंचे और उन्होंने कुम्हारों से बात कर ये समझना चाहा कि बदलते दौर में जहां लोगों ने मिट्टी के बर्तनों से दूरी बना ली थी, तो क्या दिवाली उनके जीवन में कोई बदलाव लाएगी? इस दिवाली क्या उनके कारोबार में क्या अंतर आया है? बातचीत करने पर पता चला कि दिवाली का पावन पर्व आने से मिट्टी को बर्तन का आकार देने वाले कुम्हारों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने जहां उनसे सारी खुशी छीन ली थी, तो वहीं दिवाली उनकी चौखट पर एक बार फिर वही खुशी लेकर लौटी है। क्या नाम है? कलुआ। ठीक बिक रहे हैं दीपक? हाँ जी, खूब बिक रहे हैं दीपक। अच्छा। हाँ, खूब बढ़िया बिक रहे हैं, खूब बिक रहे हैं, खूब सही कमाई हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पहले क्या होता था? पहले लॉकडाउन में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन फिलहाल तो काम सही चल रहा है। सिस्टम कुम्हारों का सही चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये कुल्ले और बिकने चाहिए चाय वाले। हाँ, क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, ये आपके जो दीपक हैं, हाँ, कितने हर रोज बिक रहे हैं? बिक जाते हैं, कभी 100 बिक जाए, कभी 50 बिक जाए, कभी ना बिकते हैं, कोई पता नहीं है ग्राहक। पहले जो दीपावली आती थी तो देखा जाता था कि चाइनीज आइटम ज्यादा बाजारों में बिकते थे, अब की बार कुछ फर्क आ रहा है, बदलाव आ रहा है? चाइना से अच्छा बिकता है, ये चाइना तो फेल है, इसका आ गया। अब चाइनीज फेल हो गए। हाँ। पहले चाइनीज ज्यादा बिकता था। चाइना बिकता था। पहले आपका बिल्कुल नहीं बिकता था? ना, पहले नहीं बिकता था। अभी ठीक? हाँ। बिक रहे हैं। अब अच्छा बिक रहा है ये। दरअसल इस बार कुम्हारों के लिए दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि चीनी सामान के विरोध के कारण बाजार में मिट्टी के दियों व खेल खिलौनों की मांग बढ़ गई है। कितने दीपक खरीदे हैं? 150 दीपक खरीदे हैं सर। अच्छा, ये बताइए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो चीनी सामान ज्यादा खरीदते हैं दीपावली पर? चीन हम ही से कमाता, हम ही को आंख दिखाता, क्या कहेंगे ऐसे लोग? मैं तो मूर्ख ही कहूँगा उनको, लोगों को ऐसे लोग कि जो अपने देश का पैसा दूसरे को दे रहे हैं और जब हमारे यहाँ पर हैं तो मिट्टी के दीपक जलाओ, हमको भी रोजगार, उनको भी रोजगार, देश हित में भी होएगा वो। मिट्टी के दीपक जलाने? हाँ, मिट्टी के दीपक जलाने से किसी को तो रोजगार मिलेगा, किसी का। दिए बना रहे कुम्हारकारों ने बताया कि उन्होंने अब तक हजारों दिए बनाकर रख दिए हैं, इन्हें रंग दिया जा रहा है। पिछले साल करीब 10,000 दिए व मिट्टी के अन्य उत्पाद बेचे थे। इस बार उम्मीद है कि 30,000 से 40,000 तक दियों की बिक्री होगी। दियों की अलग अलग वैरायटी बनाई गई है। कुल मिलाकर हमारी इस पड़ताल में सामने आया कि सरकार की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी किए जाने के आह्वान से इस बार कुम्हारों में ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद जगी है। चीनी सामान का बहिष्कार भी इन लोगों की खुशहाली में भी चार चांद लगाने के लिए तैयार है। दिवाली पर दियों से अपने घर आंगन को सजाने की तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है। बदलते ट्रेंड के साथ लोग डिजाइनर दिए भी खूब पसंद करने लगे हैं। वहीं चाइनीज दियों से लोगों का मोह भंग होने के कारण मिट्टी के दियों की मांग बढ़ी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।